हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी टीजीटी अथवा पीजीटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट पिछले 15 से 20 सालों में किसी भी एग्जाम में, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी, नेट या जेआरएफ आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुचर ने। ठीक है, मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में अतुचर ने विरोध किया है और बताया है कि मानवतावाद के कई अर्थ और स्वरूप हैं जो निम्न है, जैसे कि नैतिक मानवतावाद हुआ, दार्शनिक मानवतावाद हुआ तथा स्वेच्छाचारी मानवतावाद। बढ़ते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामायिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे बाडी लार्ड ने। ठीक है, जीन बाडी लार्ड ने समसामायिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेके डेरिडा ने। जेके डेरिडा ने किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ को महत्वपूर्ण माना है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया है कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह जो है, यह तर्क किसने दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे डेरिडा ने। ठीक है, उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में जे डेरिडा का मत है कि जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने लिखा है कि रंगमंच पर जो कुछ होता है वह वास्तविक जीवन में जो कुछ होता है उसका तथा लेखक, निर्देशक, अन्य लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्व ही रंगशाला का ईश्वर है और पारंपरिक रंगशाला को यही धार्मिक रूप प्रदान करता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी क्षेत्रवाद, धार्मिक तनाव, भाषाई भिन्नता, सांप्रदायिकता, पंथवाद, नक्सलवाद आदि समस्याएं ये जो हैं ये सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है। सांस्कृतिक पहचानें बहुत ही प्रबल होती हैं जो तीव्र भाव वेशों को भड़का सकती हैं और एक बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर सकती हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। ठीक है, वर्ग भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, जबकि जाति, प्रजाति और धर्म ये तीनों ही जो है भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति। सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास है। विचारधारा, सामूहिक गतिशील परिवर्तन के प्रति अभिविन्यसीकरण आदि इसका आवश्यक लक्षण है, जबकि क्रांति नहीं है। क्रांति अधिकारों या संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक मूलभूत परिवर्तन है जो अपेक्षाकृत कम समय में ही घटित होता है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं? तो यह किसका विचार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर का। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं। हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता के लिए अंबेडकर ने हिंदू धर्म को उत्तरदायी माना है। उन्होंने लिखा है कि अस्पृश्यता की समस्या वर्ग संघर्ष का एक मामला है।
उन्होंने जाति व्यवस्था के निम्न दुर्गुणों को जो है बताया है, जैसे यह श्रमिकों में विभाजन करती है, व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, बुद्धि को शारीरिक श्रम से असंबद्ध करती है, महान उद्देश्यों का पोषण करने के श्रमिक के अधिकारों से उसे वंचित कर निरुत्साहित करती है तथा जाति गतिशीलता पर रोक लगाती है। यह किसके विचार थे? यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के विचार थे। अगला प्रश्न है हमारा, एम एन श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी गई हैं, क्या विशेषताएं दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, भू स्वामित्व द्वारा। एम एन श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जात की विशेषताएं हैं जो गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो, जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के बड़े अंश पर स्वामित्व हो, जिसके पास आर्थिक राजनीतिक शक्ति हो और जिसे जातीय संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और .. नहीं है, क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक। ठीक है, एस जी दुबे का मानना है कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, ना कि आर्थिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यह विचार किसका है कि भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू थे, किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी एस घुरिया जी का। जी एस घुरिया ने भारतीय जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गरीबी का कारण है, गरीबी के कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी गरीबी का जो मुख्य कारण देखा जाता है वह अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, भूमि का आसमान वितरण, ये सभी जो है बेरोजगारी के कारण माने जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। सूची 1 में जो दिया गया है ये बुक्स के नाम है, ठीक है, ये बुक्स के नाम है, और ये जो सूची 2 में है ये सब लेखक हैं, ठीक है, ये लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2 और 3, आइए मिलान कर लेते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया के ये जो बुक है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एम एन श्रीनिवास। कास्ट क्लास पावर बुक के लेखक कौन है? तो इसके इस बुक के लेखक हैं आंद्रे बेते, ठीक है। और होमो हायराइकस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एल ड्यूमा। और फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया के लेखक हैं इंद्रा देव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कैसा योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगातार बढ़ रहा। यानी हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन जो है यह लगातार बढ़ रहे हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था, या किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम वर्ष 1961 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई भतीजावाद, पक्षपात और सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसके उदाहरण है, या किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार के। भाई भतीजावाद, पक्षपात हो या सत्ता शक्ति का दुरुपयोग होता है, यह जो है भ्रष्टाचार का उदाहरण माना जाता है, या उदाहरण है भी। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था, या कब पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। ठीक है, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम वर्ष 1955 में पारित हुआ था। कब पास हुआ था? या 1955 में पास हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम कब से लागू हुआ था, या कब से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1985 से। भारत में द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम वर्ष 1985 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1985 में लागू हुआ था। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है,
किसने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र सिंह ने। योगेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा, और आपने डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।